मेरी पहचान, तेरी पहचान, मेरी पहचान, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। सब्ज हिलाली परचम के वारिस हैं हम, इसकी बका की खातर हर पल हाजिर हैं हम। ये तो इब्तदाए रब्बुल जलाल के बरकत नाम से, जो खालिक कायनात है, खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। प्रोग्राम मेरी पहचान में मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी याकूब जलाल अलावा, पाक एडम टीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से। मेरी पहचान में हमारे आज के मेहमान हैं जनाब ताहिर नवीद चौधरी साहब, एक्स एम पी ए हैं, चेयरमैन पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस, एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं दिल की गहराइयों में उन्हें पाक एडम स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूं। और आज हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जो साहब आपने अपनी सियासत का आगाज किस प्लेटफॉर्म से किया। मैं सबसे पहले तो जो सब आपका इंतहाई मशहूर हूँ कि आपने रायडम टी वी का मशहूर हूँ कि आपने ये मुझे मौका फराहम किया कि मैं आज इस चैनल के हवाले से के ज़रिए अपने लोगों से मुखातिब हो सकूँ। जो सब आपका इंतहाई मशहूर हूँ और रायडम टी वी का भी मशहूर हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं इस चैनल के ज़रिए अपने लोगों से मुखातिब हो सकूँ। तो मैं सबसे पहले तो जो आपने बात की कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से शुरू किया, तो सब ये कॉलेज दौर का वाक़ा है। जब हम फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गए तो मेरे बड़े भाई अख्तर शबाज ने और तमाम हम उस वक्त 42 क्रिश्चियन लड़के थे, हमने क्रिश्चियन स्टूडेंट फेडरेशन जो है उसके नाम से एक क्रिश्चियन लड़कों की तंजीम बनाई। हमारा काम यह था, एक तो हम इंसिगेट करते थे नए स्टूडेंट्स को कि वो आए हायर स्टडी करें, उनके लिए जो फीसें फ्री एजुकेशन के लिए फीसों का इंतज़ाम, उनके लिए फ्री बुक्स का इंतज़ाम हम करते थे। दूसरी जो एक्टिविटीज थी सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए उन्हें तैयार करते, तो उस वक्त से मैं समझता हूँ कि मेरी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। और कॉलेज में जितने भी सियासी कमल होते थे, बिलखसूस हमारे ट्यूटोरियल ग्रुप्स होते थे जहाँ पे अदबी सरगर्मियाँ होती थी, हमने तमाम अपने लड़कों को ये मोटिवेशन दी कि वो उसमें बतौर जॉइंट सेक्रेटरी से लेकर प्रेसिडेंट तक हमारे बच्चे जो उसमें रहे। और फिर उसके बाद कॉलेज दौर से ही ये सियासत का आगाज हुआ जो आज तक जारी रहता है। जैसे मेरा आपसे सवाल है कि मसीही कौम ये जाने क्या क्रिश्चियन स्टूडेंट फेडरेशन पहले कहीं पाकिस्तान के दूसरे शहर में थी या आप इसके बानी हो? मैं समझता हूँ कि इसके बानी अख्तर शबाज से बड़े भाई, उस प्लेटफॉर्म से उस वक्त हमने जो ब्लड डोनेशन का काम था वो भी बड़ी ज़ोरों शोर से किया। और राउंड अबाउट जहाँ तक मेरे रिकॉर्ड जो मैंने देखा कि हमने मोर देन 5000 बैग जो हैं ब्लड के वो ज़रूरतमंदों को दिए, और वो सिर्फ सरगोधा से ही उसका आगाज हुआ। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुख्तलिफ सियासी नामों के साथ जो है ना उसकी सूरत बदल गई। सियासत में आपने पहली कामयाबी कब हासिल की और किस हद तक आप उसमें कामयाब हुए? मैं समझता हूँ कि ये अमली जदोजहद का आगाज जो है वो 90 से होता है, जब ज़िला कौंसिल का इलेक्शन मेरे वालद साहब ने कॉन्टेस्ट किया, वो इलेक्शन हमने लूज किया, मेरी उम्र पूरी नहीं थी। उसके बाद 97 का आम इंतखाबात आए तो मैं उसमें, जब आज़ादाना इलेक्शन होते थे हमारे जुदागाना इलेक्शन होते थे, तो मैंने बतौर उम्मीदवार पंजाब असम्बली जो इलेक्शन किया और मैंने वो इलेक्शन भी थोड़े वोटों के साथ लूज किया। तो उसके बाद 98 में मैं पहली दफ़ा जो मेंबर जिला कौंसल जो है वो मिल गया, तो ये सिलसिला फिर चलता रहा कामयाबियों का। खुदावंद ने एक मेरे लिए सिलसिला जो है वो शुरू किया, उस
उसके बाद मैं 2000 में मेंबर जिला काउंसिल रहा, फिर 2004 में मेंबर जिला काउंसिल रहा, और 2002 में मैं एक बार ज़रूरी बताना समझता हूँ व्यूअर को कि मैंने शहीद शबाज भट्टी की मुलक वीर तहरीर जो ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस के काम करती थी, और खसूस पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी प्रोसिक्यूशन पर उनका काम था, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के खिलाफ उनका काम था, तो मैंने उसे ज्वाइन किया। और फिर 2008 में मैं पंजाब असम्बली का मेंबर बन गया। जी साहब, आप सरगोधा के लिए ये आज़ाद था कि आप MBA मुंतखब हुए, आपने अमली तौर पे कौन से काम सर अंजाम दिए हैं जो मसीह कौम आपको याद रखती है? मैं समझता हूँ कि सियासत में सबसे पहली तो बात है कि आप जो हमारे खुदा निजात हिंदा का हमारे लिए हुक्म है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो लव बिगेट्स लव, और फिर लोगों को इज्जत करनी, उनके दुख तकलीफ में शरीक होना, मैं समझता हूँ सबसे पहली बात है। और फिर इंसान के अंदर अगर ये पैशन हो तो लोग उसका उसको प्यार भी करते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक जो खुदा से दुआ मांगी, मैंने हमेशा यही दुआ की कि खुदावंद जो मेरी कौम का दर्द है, जो मेरे लोगों का दर्द है वो मुझे दे। मैंने ज़िंदगी में कभी भी इस बात की ख्वाहिश नहीं की, ना कभी ये दुआ मांगी खुदा से कि मुझे बहुत बढ़िया घर दे दे, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन अपनी कौम का दुख मैंने मांगा जो खुदावंद ने मुझे दिया। तो यही वजह है कि जब दुख मांगा तो मेरे अंदर अपने कौम का जो वो जो दुख है, जो तकलीफ है, जब कहीं भी मैं किसी अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ और अपनी महसूस होती है। और मैं जब अपनी महसूस करता हूँ तो खुदामंद को, क्योंकि वो दिलों गुर्दों का जानने वाला है सर, तो उसने ये तमाम चीज़ें देखते हुए मुझे दिन ब दिन जो है वो आगे और सरफराजी देता गया। और मैं समझता हूँ कि सरगोधा की जो आपने बात की, ये मेरे लिए भी इजाज़ की बात है कि मैं यहाँ पर पैदा हुआ। और सरगोधा में आपको ये महसूस होगा कि सरगोधा के जितने लोग भी हैं, मैं ये चैलेंज से कहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी रहते रहे हैं कि जिन्होंने जिनका दौरा इकतदार बतौर MLA वो 30-30 साल का महीन है, लेकिन जो मुझे 5 साल का अर्सा मिला उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि पूरे सरगोधा के अंदर कोई गांव, कोई आबादी ऐसी नहीं होगी कि वहाँ पे खुदामंद के फजल से उसने जो मुझे तौफीक बख्शी कि चर्चिस का काम हो, वो कब्रस्तानों की रेनोवेशन हो या दूसरे डेवलपमेंट के काम, उसके लिए खुदामंद ने मुझे इस्तेमाल किया। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि सरगोधा से जहाँ से मेरी इब्तदा हुई, जहाँ कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन हुई वो मदद की बुनियाद पर हुई, फ्रंट लाइन पर हमने हमेशा उस पर जो है कौम की लड़ाई। आपका MBA का दौर मेरे ख्याल में बड़ा कामयाब रहा, इसमें कोई यादगार वाकया आप जो हमें सुनाए? बहुत सारे वाकयात यादगार हैं, लेकिन मैं आपने पूछा कि यादगार वाकया, मैं समझता हूँ कि आप भी सियासी वर्कर हैं, आप भी ये बात समझते हैं कि सियासी वर्कर के लिए हर वाकया ही यादगार है, क्योंकि हर रोज जिस जिन वाकयात से वो गुजरता है, जिन मसाइल से गुजरता है, उसके लिए वो नए होते हैं, और जब नए होते हैं तो वो उसके लिए वाकयात में हमें यादगार बन जाते हैं। सियासत के साथ साथ आप मज़हब में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, मज़हब की बेहतरी के लिए अपनी खिदमत के बारे में नाज़रीन को बताएं। सर, मैं ये समझता हूँ कि बतौर मसीही मैं जहाँ भी खड़ा हूँ ये मेरे खुदावंद का मैं समझता हूँ पता है। और मुझे, मैं एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में था, तो उस कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, मुझे बिशप साहब जिनका तल्लक जो है वो यरूशलम से था, तो जब तवारफ हुआ तो पता चला उन्हें कि मैं फार्मर मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मैं एक वकील हूँ। तो उन्होंने मुझे सवाल किया कि आप तो बहुत बड़े कानूनदान हैं, तो क्या आपको खुदा के कानून का पता है? उस
उससे पहले मैं समझता था कि मैं इस हद तक ना बाइबल को समझता था ना खुदा के कलाम को समझता था, तो ये सवाल मेरे लिए बड़ा अलग। तो मैं जब उन्होंने सवाल किया फिर मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे गॉड्स लॉ जो है, जो खुदा का कानून है, जो उसका कलाम है, उसे समझने की। तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि बाइबल को बतौर स्टूडेंट मैं इसे देखूं, समझूं। और ये खुदावंद का फजल है कि इस वक्त ना सिर्फ सरगोधा बल्कि रावलपिंडी और लाहौर में हमने बाइबल सेंटर्स शुरू कर रखे हैं, जहाँ पे बच्चे जो हैं वो बाइबल सीखते हैं। नौजवान नस्ल के लोग, बच्चे जो हैं, लड़कियाँ लड़के, वो वहाँ पे आके बाइबल को सीखते हैं। और मैं समझता हूँ ये खुदावंद का मंसूबा है। जब हम जसाया तो सिर्फ बात की आठवीं आयत को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि हम मिट्टी हैं तो वो खुदावंद हमारा कुम्हार है। मिट्टी कभी कुम्हार को नहीं कहती कि वो उसे इज्जत वाला बर्तन बनाए और उसे जिल्लत वाला बर्तन न बनाए। तो ये मैं समझता हूँ कि खुदावंद का ये खास फजल है कि उसने हमें इज्जत वाला बर्तन बनाया और आज हमारे वसीले से खुदावंद हमें इस्तेमाल करते हुए बतौर इंस्ट्रूमेंट हमें इस्तेमाल कर रहा है कि अपने लोगों के लिए हम कलाम को जो है वो। जैसा मसीही कौम में आप फरजंदे सरगोधा की हैसियत रखते हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? मैं क्या कह सकता हूँ, सरगोधा में पैदा होना की वजह से मैं फरजंदे सरगोधा। बेशक बेशक बेशक। जैसा आप लोग जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी में मसीही कौम के लिए कुछ यादगार काम किए हैं, मैं चाहता हूँ कि नाजरी को आपको बताएं कि जो ऐसे कारनामे हैं जो आपने किए हैं जो मसीह कौम के मुस्तकबिल के लिए बड़े कारनामे। मैं समझता हूँ कि खुदावंद ने हमें उस टीम का हिस्सा बनाया जिसके कप्तान जो लोग सुभाष भट्टी से, और उस टीम का हिस्सा होने की वजह से मैं प्राउड फील करता हूँ कि वो उस दौर में जब हम एमपीए थे और वो बतौर फेडरल मिनिस्टर जो कुछ हमने उम्र से उस वक्त लिया है वो मेरी नई नस्लों की तब्दीली का बात है। उसमें आप देख सकते हैं कि 5% जॉब कोटा है, आज तमाम वाट्सअप लाइव में हमारे जो बच्चे बच्चियाँ वो एडजस्ट हो रहे हैं। और उसके साथ आप ये भी देखते हैं कि सेनेट जो लोग एरिया था वहाँ पर नुमाइंदगी जो है वो दूषित हो रही है। फिर 11 अगस्त को मनोरिटी डे डिक्लेयर कराने का जो हमारा मकसद था वो सिर्फ यही था कि वो तकरीर जो कायदे आजम बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी पहले दिन 11 अगस्त को, कि दस्तूरी असम्बली के अंदर उन्होंने बता दिया था कि पाकिस्तान कैसा मुल्क होगा, उसकी पॉलिसीज क्या होंगी। तो पॉलिसी साथ तकरीर जो है उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग बिना तफरीक के रंग और नस्ल बराबर के शहर। और आज जब भी 11 अगस्त आता है तो मनोरिटी डे को जब सेलिब्रेट किया जाता है तमाम मीडिया के उस तकरीर जो है जिसमें मनोमुटी पड़ी हुई थी वो तकरीर दिखाई जाती है। और हम समझते हैं कि तमाम लोग जो उससे नवाकफ थे और हम अपनी तमाम अकलीतों को जो बेस्ट डाउन प्रोडक्ट करता है उसकी हैसियत को मनवाने में हम कामयाब हैं। उसके अलावा मेरे लिए बहुत बड़े एतराज की बात है, जो मेरे लिए तब्दीली का बायस है, जो मेरे पाकिस्तान में रहने का भी बायस है। अदरवाइज यहाँ पे अगर जो फार्मर एमपीज एमएलएज हैं उनकी तादाद को उनके अगर नज़र दबा के देखें तो उनमें 95% लोग जो है इस मुल्क को छोड़ते हैं। वो जब इकतदार में होते हैं जहाँ पे बड़ी लंबी तकरीरें भी करते हैं, बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन उसके बाद वो अमेरिका कनाडा ये किसी यूरोप में जाकर सहते हैं। लेकिन मैं उसके लिए जो सबसे बड़ा वाक्य मैं समझता हूँ अपनी ज़िंदगी का वो वाक्य है दिलशान सिंह। तो उस बेटी के केस के लिए खुदावंद का मुझे खड़ा था, उस केस में खुदावंद का प्रेसिडेंट बनाना उनके पाकिस्तान में एक पहला केस जिसमें एक जो
बिग अक्यूज था वो हॉस्पिटल हुआ, वो बरी हुआ और ये पहली मिसाल थी मुझे। और उससे जो सरफराजी गुलामन ने मुझे बख्शी, मैंने उस दिन ये तहैया कर कि हमारे लिए पाकिस्तान में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि गुलामन जो है जिस तरह हमें अपनी माँ बहन बेटियों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हम इस मुल्क को नहीं। तो यही वजह है कि जो सब आपको पता है कि पूरी दुनिया घूमने के बाद भी आज हम उनके पाकिस्तान में मौजूद हैं और हम उस चीज़ों जो उनको उसी तरह से बढ़ा रहे हैं, उस तरह हमारे शहरिया सुभाष बैठी शुरू हो। फिर हमने वहाँ पर कहीं भी कोई कमी नहीं आने दी, कभी हमारे देश में कभी कोई खौफ नहीं आया, कभी कोई लालच नहीं आया। तो यही वजह है कि जब लालच अंदर ना हो, खौफ अंदर ना हो, तो पुराना इंसान हो सकता है। आज यही वजह है कि पूरे मुल्क पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में जो है वो तायर मुनीर चौधरी अगर MPA होता तो शायद इतना ना जाना जाता। ये सिर्फ मैं समझता हूँ कि वो मेरा पैशन है अपनी कौम के लिए, अपनी माँ बहन बेटी के दुहत्ते के तकदस की हिफाजत की जो कसम हमने शहीद अक्षमार कमेटी के साथ खाई थी, उसकी वजह है हमारी वो कमिटमेंट, वो डेडिकेशन है कि आज हम ये समझते हैं कि खुदावन ने सिर्फ हमें इसलिए चुना है। हम अपने वो लोग जो यहाँ पे किसी सियासी का शिकार होते हैं, वो मदद की बुनियाद पर उनके साथ जाती हो बच्ची के शुरू सारी चीज़ें तभी होती हैं। इस तरह मैंने स्टार्ट में आपको जो बताया है कि जब आप अपने लोगों का दुख मांगेंगे, उनका दर्द मांगेंगे, दामन जो है वो आपको सरफराजी बना देता है। जो सब आने वाली जिंदगी में सियासत हो या मजहब, क्या आपका राय है? जो सब ये समझता हूँ कि जहाँ पे उनके पाकिस्तान में बहुत सारे जो कमी है मेरी कौम के अंदर, मैं वो कहूँगा कि हम उनके क्रिश्चियन अकलियत से मारा कर रहे हैं, हम हाथ पकड़ने की बजाय दूसरे की टांगें खींचने वाले हैं, हमारे अंदर दूसरे को तस्लीम करने की सलाहियत है। अगर वो अच्छा कौम में राइटर है तो हमें उसे तस्लीम कर लेना चाहिए, अच्छा स्पीकर है तो उसे तस्लीम कर लेना चाहिए। कौम का एक एक फर्द मैं समझता हूँ कौम का, पर जब तमाम ताकतें मिलती हैं तो जॉइंट एफर्ट जो है वो चेंज ले गया। और बाइबल मुकद्दस में जो मजमून है कि सलाहकारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो 100% लोग जो हैं वो मुतहद हो जाए, वो मुनज़्ज़म हो जाए और मुकर्रर हो जाए। अगर 5% लोग जस्ट लाइक दिस ये अगर मुतहद होते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं और मुतहरक होते हैं, एक सलाह में और इन 5 की सलाह में बरकत पड़ेगी और 95 जो मुंतशर होंगे उनकी एक सलाह नहीं होगी, वहां पे बरकत नहीं। और अगर कौम का जो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पे मजहबी तौर पे सबसे पहली बात है हमें इज्जत करना, जब इज्जत करना सीखेंगे एक दूसरे से प्यार करना सीखेंगे। हम उधर से दुआ करते हैं, हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ खानी खुराक खाने से क्या हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती, क्या हम एक दूसरे को माफ़ करने की हमारे अंदर इस पैदा हो जाती है कलाम पढ़ने के बाद, या एक दूसरे से हम हसद करना छोड़ देते हैं, क्या हम एक दूसरे से जो है वो अपने से ज़्यादा बेहतर समझना शुरू कर देते हैं। कलाम तो यहाँ तक ये यीशु का सबसे बड़ा हुक्म है, जो 11 अकाम है यीशु ने कहा मैं नया हुक्म देता हूँ, अपने पड़ोसी से अपनी मदद मांग सकते हैं। क्या हम इस काबिल हैं हमको अपने सगे भाई को माफ़ करने को तैयार हैं, हम अपनी सगी बहन को माफ़ करने के लिए तैयार हैं? और फिर ये हमने हमेशा से जो हमारी क्यादतें हैं, हम पहले तो कहते हैं यहाँ पे क्यादतों का फुकदान है, फुकदान क्या? मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्यादत का फुकदान नहीं, हम बेहतर हैं। आज आप देखें कि लीडर वो होता है कि उसको 2 आदमी फॉलो करते हैं वो भी लीडर। आज सबसे बड़ी जो कमजोरी आई है कि वो हमारे पास कोई तरबियत का है,
हमारे जो आगे सीखने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं, किसी को मारने के लिए तैयार नहीं। जब हर बंदा अपने घर में ये समझेगा कि मैं ही चौधरी हूँ, मैं ही सब कुछ समझता हूँ, वो तो किसी बड़े से सीखेगा नहीं, किसी तजर्बा किसी के तजर्बे से फायदा उठाना नहीं चाहेगा, तो कौमें इसी तरह से नहीं बन। और ये यही वजह है कि हम पीछे से पीछे जा रहे हैं। और वो मुल्क पाकिस्तान जिसकी तमीर और तरक्की में मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा रोल है, वो एजुकेशन का मैदान, वो हेल्थ का मैदान। और एजुकेशन देखें कि आज क्या पोजिशन जा रही है, कि आप जो आपका लिटरेसी रेट है आप मेजॉरिटी के साथ कंपेयर करके देखें, सबसे कम जो है वो आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी में आपको नजर आएगी। इतने अदारे होने के बावजूद लेकर उन अदारों से मुस्तफी कौन हुआ, उन अदारों से जीवन चट्ठे लगा रही होती है, उनसे कौम बहुत कम मुस्तफी हुई है, क्योंकि कौम के पास इतने वसायल नहीं कि वो उन अदारों की फीसें पे कर। कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं कि उन स्कूलों में 5% 10% जो फ्री लोग जो है आपकी कम्युनिटी के ट्यूशन पर। और फिर सियासी तौर पर भी हमें मुद्दे होना पड़ेगा। हम आज भी बटे हुए तजर्बात हुए हैं, हम पे आज कभी मुसलत कर दिया है जुदागाना इलेक्शन, कभी मजबूत इलेक्शन, कभी इसी तरह से कि हमारी नुमाइंदगी नहीं हुई। और हम समझते हैं कि ये तरीका कार जो हमें देखना चाहिए और एक स्टेप आगे देखना चाहिए। आज हमारे बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि ये मजबूत तरीका कार में जो है वो नुमाइंदे जो है वो पार्टियों के हमारी कौन के नुमाइंदे। और जुदागाना में हम हमारे लिए सिस्टम इतना बड़ा था कि लोगों को पूरा पूरा पाकिस्तान पूरा पूरा पंजाब भागना पड़ता था। और जो सरगोधा में MLA बैठा है कराची वाला के उसको क्या लगे। हम आप मसीही तलीम का प्रचार करते हैं तो पूरी वर्ल्ड में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से खौफ ज़दा हुई हुई है। आप मसीही मान के मुताबिक व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे कोरोना वायरस को। हम जब बाइबल की हिस्ट्री जो है बाइबल की हिस्ट्री भी है तो जब हम उसको देखते हैं तो उसमें बहुत सारी बॉम्ब है और एक एक दिन में 70,000 लोग भी बिना मरे। लेकिन देखना है कि वबाएँ आती क्या, वबाएँ हमेशा तब आती हैं जब कौमों में बदी बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ दुनिया में ये बदी बढ़ती है, ये इसे बायोवेपन कह लें या खुदा की तरफ से कह लें। बायोवेपन की जो है तो वो भी किसी बंदे को इस्तेमाल किया गुलामत सौद के अंदर जो है वो पूरी रूप खुद डाल देता है। तो ये बतौर मसीह वो लोग जब भी लौटते थे वापस खुदा में माफी दे देता था। ये रिपेंटस का एक खुदा ने हमें मौका फराहम किया। आज लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि मैं कार्डिंग टू बाइबल जो है बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर से खत्म करना चाहिए। जब आप उसी ईमान में मजबूत तो होंगे तो मैं समझता हूँ कि कोरोना चलोना कुछ नहीं आपको कहता, तो आप और खुदावन के फजल से सेहतमंद रहेंगे। और हमारी आखिर में दुआ भी है व्यूअर्स के लिए, तो ये मैसेज भी है कि यीशु का जब डर पकड़ लेते हैं तो आपको ये छोटी मोटी दुकान है आपका कुछ नहीं बता सकते। आप खुदावन से हमेशा की जिंदगी उसमें आपको दी है, वो आपको आसमान की बादशाही का कागज बनाना चाहता है। वो अपने अंदर ये बात पैदा कर रहे हैं कि यीशु आपके अंदर काम कर रहा है, जब आपके अंदर काम कर रहा है तो सर बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आपको आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरी पहचान मेरी पहचान, तेरी पहचान मेरी पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, सब्ज हिलाली परचम के वारिस हैं हम, इसकी बका की खातर हर पल हर